एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उर्तेश गुप्ता, दर्शकों आपको जानकारी दे देंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 31 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। जी हाँ, राइस एक्सपोर्ट इंडिया स्कैम जो है वो सामने आया, जिसमें 31 लोगों के खिलाफ यानी 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। 1100 करोड़ रुपए, जेके बैंक के 1100 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। आपको बता दें कि ये कंपनी REI एग्रो लिमिटेड कंपनी, जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, फिलहाल उन्होंने अपना एड्रेस जो है वो शिफ्ट कर दिया है, वो हरियाणा में जो है स्थानांतरित हो गई है। ये कंपनी जो है फ्रॉड में, स्कैम में जो है उभर कर सामने आई है। इसके MD की बात करें, इसके MD संदीप झुनझुनवाला और जेके बैंक महीम की ब्रांच, उसके ब्रांच हेड के अलावा 29 आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल की है। दर्शकों, ये जो स्कैम है ये चावलों के रिलेटेड है, राइस को लेकर जो है ये स्कैम सामने आया है। जी हाँ, कंपनी की पर्टिकुलर बात करें या फिर फार्मर्स की बात करें, फार्मर्स को लोन दिया जाता था ताकि वो अपनी फसल उगा सके, चावलों की फसल उगा सके, और जब फसल उग जाती थी उसके बाद वो पर्टिकुलर कंपनी को जो है वो बेचते थे, और ये कंपनी मुनाफे का पैसा फार्मर्स को देने के बाद इंस्टॉलमेंट जो लोन की है वो बैंक को देती थी। लेकिन यहां पर स्कैम जो है वो उभर कर सामने आ रहा है कि फार्मर्स ही नहीं थे। जी हाँ, बैंक ने लोन तो पास कर दिया लेकिन फार्मर्स के अकाउंट में नहीं गया, फार्मर्स थे ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो चेकिंग ही नहीं हुई। यहां पर कहीं ना कहीं जो है बैंक का नेग्लिजेंस जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ से अगर हम बात करें, जो इनका ग्रुप बना था, जिन लोगों के खाते में ये पैसे गए थे, वो फ्रॉड जो है वो उभर कर सामने आया और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है चार्जशीट फाइल कर दी है। जी हाँ, 1100 करोड़ रुपए का जो है ये स्कैम चावलों के रिलेटेड उभर कर सामने आया। 29 व्यक्तियों के अलावा एक व्यक्ति कंपनी के MD हैं, दूसरे जेके बैंक महीम के ब्रांच हेड उस समय के, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बसंत बिहार जो जेके बैंक की ब्रांच है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इन दो ब्रांचेस का जो है नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, इंडिया में कई तरह के स्कैम्स जो है वो सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से अब हमारा प्रशासन, हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है मुस्तैदी का परिचय दे रही है, तो आने वाले समय में जो है ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो है नकेल कसी जाएगी। इसीलिए अगर कोई भी आप फ्रॉड करते हैं, कोई भी स्कैम में इन्वॉल्वमेंट आपकी होती है, तो आपका बचना जो है अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपके ऊपर जो है कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरह से मुस्तैदी का परिचय दे रहा है, तो इसीलिए हर उस व्यक्ति को जो है सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी एक्टिविटी में जो है अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। एक्सेलशन न्यूज के लिए।